हीरा एक अनमोल रत्न है। यही वजह है कि किसी भी बेहतर व्यक्ति या चीज़ की तुलना हीरे से की जाती है। सगाई की अंगूठी से लेकर बढ़िया गहने तक हीरे का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आज एक आम बात हो गई है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि आखिर ये हीरा आए कहाँ से है, लेकिन इन छोटे रत्नों को निर्माण से लेकर गहनों की दुकान तक की यात्रा काफ़ी प्रभावशाली है। तो आइए जानते हैं हीरे की सफ़र की कहानी, ये कहाँ से शुरू हुए और कहाँ कहाँ जाके ये विकसित हुए हैं। दोस्तों पूरी खबर बताते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों लगातार ऐसी जानकारी अमेजिंग फैक्ट वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये हीरा सदियों से राजसी वैभव और इसके प्रतीक रहे हैं। भारत हजारों साल से इनके कारोबार का केंद्र रहा है। रोमन लोग इन्हें भगवान के आंसू कहते थे। यह भी जानना जरूरी है कि 1700 के दशक के बाद भारत विश्व का प्रमुख हीरा उत्पादक नहीं है, उसके बावजूद भारत में हीरे का खदान जारी है। 2013 में भारत की बड़ी औद्योगिक खदानों और छोटी खदानों को मिलाकर केवल 37,515 कैरेट हीरे खनन किए गए थे, जो उस वर्ष में विश्व के 132.9 मिलियन कैरेट के 1% के 10वें हिस्से से कम था। दोस्तों अब बात करते हैं कि विश्व के पहले हीरे की खोज कब हुई थी। दोस्तों आज से बता दें कि विश्व जो पहले हीरे की खोज की गई थी वो 4000 साल पहले की गई थी, भारत के गोलकोंडा क्षेत्र यानी हैदराबाद नदी के किनारे चमकदार रेत में हुई थी। यानी पश्चिमी भारत के औद्योगिक सरत जो सूरत है वो दुनिया के 92% हीरों को काटने और पॉलिश करने का काम वहाँ किया जाता है, और इस काम के कारण दुनिया में तकरीबन 5 लाख बल्कि 50 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाया है। दोस्तों अब किस चीज़ से बनता है यह हीरा ये भी जान लेते हैं। हीरा एक पारदर्शी रत्न है जो इस पार से उस पार आसानी से देखा जा सकता है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। यदि हीरे को ओवन में 663 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तथा बिल्कुल भी राख नहीं बचती है। इस प्रकार हीरे 100% कार्बन से बने होते हैं। हीरा रासायनिक तौर पर बहुत ही निष्क्रिय होता है, यह सभी घोलकों में अघुलनशील होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.51 होता है। दोस्तों इतना मजबूत क्यों होता है हीरा ये भी जानते हैं। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोगी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए वह बहुत ज़्यादा कठोर होता है। आपको यह भी बता दें हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। यही वजह है कि हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों हीरे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों आप एक सोचते हैं कि इंसान की हीरे एक ही प्रकार के हैं तो ऐसा नहीं है, हीरे के कई भी प्रकार हैं। आखिर कहाँ बनते हैं हीरे? वैज्ञानिकों के मुताबिक हीरे जमीन से तकरीबन 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल में बनते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी गतिविधियों इन्हें ऊपर की ओर लाती हैं। ग्रहों या पिंडों की टक्कर से हीरे मिलते हैं। हीरे अथाह गहराई में बहुत ज़्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग से जुड़ते हैं और हीरे जैसे दुर्लभ पत्थर में बदल जाते हैं। दोस्तों असली और नकली हीरों की पहचान कैसे की जाती है दोस्तों ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के शोध के मुताबिक बेहद गहराई से निकालने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और ये अद्भुत रूप से पारदर्शी होते हैं। प्राकृतिक हीरो और फैक्ट्री में बनाए गए हीरो के बीच फर्क इतना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक खास उपकरण से असली हीरे की पहचान हो जाती है। हालांकि निम्न प्रकार की असली नकली हीरे की पहचान की जा सकती है। प्रसिद्ध कोहिनूर जो है हीरा उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। असली हीरे की अंदर की बनावट ऊबड़ खाबड़ होती है, लेकिन कृत्रिम हीरा अंदर से समान दिखता है। असली हीरे में कुछ न कुछ खांचे होते हैं जो 1200 गुणा ताकतवर माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। दोस्तों तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।